यीशु मसीह बचाता है। और वो एक बेटे को जन्म देगी और तो इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा। थी रात के 1:21। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि तो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना सुबह के 3:16। यीशु ने उससे कहा, राह सच्चाई और जिंदगी में हूँ, कोई भी बाप के पास नहीं आता मगर मेरे जरिए। यूहन्ना 14:6। किसी दूसरे में निजात है, क्योंकि आसमान के नीचे इंसानों के दरमियान कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे हमें निजात मिल जाए। आमाल सुबह के 4:12। क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको वही कुछ दिया जो मुझे भी मिला, कि सहीकों के मुताबिक मसीह हमारे नाहों के लिए मरा, और ये कि उसे दफन किया गया था और वो सहीकों के मुताबिक तीसरे दिन दोबारा जी उठा था। करिन्थियों 15:3-4। जिसने उसके खून के वसीला से हमें फिदिया उसके फजल की दौलत के मुताबिक गुनाहों की माफी मिली है। 1:7। आज सच्चाइयां हैं जिनको हमें पूरी तरह समझना चाहिए। 1, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि आपको उसके साथ जन्नत में अबदी जिंदगी मिले। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना सुबह के 3:16। वो चाहता है कि आप इसके साथ एक भरपूर और बामानी जिंदगी गुजारी। चोर चोरी करने, मारने और तबाह करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि उनको जिंदगी मिले और वो ज्यादा स्वर्ग से हासिल करें। यूहन्ना दिन के 10:10। के बावजूद बहुत से लोग बामकसद जिंदगी का तजुर्बा नहीं करते और इस बात का यकीन नहीं रखते कि आया उनके पास अबदी जिंदगी है, क्योंकि तो इंसान फितरता गुनाहगार है, इसलिए वो खुदा से जुदा है। सबने गुनाह किया है, क्योंकि सबने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। उम्मीद सुबह के 3:23। क्योंकि पैसे की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। 1 तिमोथी सुबह के 6:10। गुनाह की उजरत मौत है, क्योंकि गुनाह की उजरत मौत है। रोमियों सुबह के 6:23। बाइबल मौत की 2 कस्में बयान करती है, जिस्मानी मौत, और जैसा कि मर्दों के लिए एक बार मरना मुकर्रर किया गया है लेकिन इसके बाद फैसला। रानियों सुबह के 9:27। रूहानी मौत या जहन्नम में खुदा से अबदी अलहदगी, लेकिन डरने वालों और बेएतिकादों और मुकर्रुहों और कातिलों और जनाकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और तमाम झूठों का हिस्सा इस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है, जो कि दूसरी मौत है। मकाशिफा 21:8। अगर इंसान अपने गुनाह की वजह से खुदा से जुदा हो जाए तो इस मसले का हल किया है। हम अक्सर सोचते हैं कि हल ये है, मजहब, अच्छे काम और अच्छे इखलाक, लेकिन खुदा की तरफ से एक ही हल है। 3, यीशु मसीह जन्नत का वाहिद रास्ता है। ये खुदा का ऐलान है। यीशु ने उससे कहा, राह सच्चाई और जिंदगी में हूँ, कोई भी बाप के पास नहीं आता मगर मेरे जरिए। यूहन्ना 14:6। ने हमारे गुनाहों की पूरी सजा अदा की, क्योंकि मसीह ने भी एक बार गुनाहों के लिए दुख उठाया रास्तेबाजों के लिए, ताकि वो हमें खुदा के पास ले जाए। जिस्मानी तौर पर मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन रूह से उमदा किया गया। 1 पत्रस सुबह के 3:18।
जिसने उसके खून के वसीला से हमें फिदिया उसके फजल की दौलत के मुताबिक गुनाहों की माफी मिली है। अफसीन 1-7, इसके पास अबदी जिंदगी का वादा है। जो बेटे पर ईमान लाता है उसकी हमेशा की जिंदगी है, और जो बेटे पर यकीन नहीं करता वो जिंदगी नहीं देखेगा, लेकिन खुदा का गज़ब इस पर कायम रहता है। यूहन्ना सुबह के 4:24 बाकी, क्योंकि गुनाह की उजरत मौत है, लेकिन खुदा का तोहफा हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जरिए हमेशा की जिंदगी है। उम्मीद सुबह के 6:23। और हमें निजात पाने के लिए यीशु मसीह पर यकीन करने की जरूरत है। हमारी निजात यीशु मसीह पर ईमान के जरिए खुदा के फजल से है, क्योंकि तुम ईमान के वसीला से फजल से निजात पाते हो, और ये आपकी तरफ से नहीं, ये खुदा का तोहफा है, कामों से नहीं, ऐसा ना हो कि कोई फख्र करे। सिंह 2:8-9, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। रोमियो दिन के 10:13। नहकार की दुआ। ईमान के साथ ये दुआ करें। खुदावंद यीशु, मुझसे मोहब्बत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं इकरार करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरे तमाम गुनाहों की अदायगी के लिए सलीब पर आपकी मौत तरफीम और कयामत के लिए आपका शुक्रिया। मैं अपने रब और निजात दहिंदा के तौर पर आप पर भरोसा करता हूँ। आपकी अबदी जिंदगी का तोहफा कबूल करता हूँ और मैं अपनी जिंदगी आपके हवाले करता हूँ। मेरी मदद कर कि मैं तेरे तमाम काम की कमी करूँ और तेरी नजर में खुश हूँ। आमीन। अगर आपने यीशु मसीह पर भरोसा किया है तो आपके साथ दर्ज ज़ेर हुआ है। आपको खुदा के साथ अबदी जिंदगी है, और ये उसकी मर्जी है जिसने मुझे भेजा है कि हर एक जो बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन जिंदा करूंगा। यूहन्ना सुबह के 7:20 बाकी, आपके तमाम गुनाहों की अदायगी और माफी मिल गई है। माजी, हाल, मुस्तकबिल, लेकिन ये आदमी हमेशा के लिए गुनाहों के लिए एक ही कुर्बानी चढ़ाने के बाद खुदा के दहने हाथ पर बैठ गया। बरानियों दिन के 10:12। अब खुदा की नजर में एक नई तखलीक है, ये आपकी नई जिंदगी का आगाज है। बस अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई मखलूक है। पुरानी चीजें खत्म हो चुकी है, देखो सब चीजें नई हो गई है। 2 सुबह के 5:17। आप खुदा के बचे बन गए, लेकिन जितने लोग उसे कबूल करते हैं उनको उसने खुदा के बेटे बनने का इख्तियार दिया, यहाँ तक कि उनको भी जो उसके नाम पर ईमान रखते हैं। गुना रात के 1:12। अच्छे काम हमारे लिए निजात का रास्ता नहीं है, बल्कि हमारी निजात का सबूत या फल है, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं, जो मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए पैदा किए गए हैं, जिन्हें खुदा ने पहले ही मुकर्रर दिया था कि हम उन पर चलें। अफसीन रात के 2:10। खुदा आपको खुश रखे।